ऑलमोस्ट हो गया है, ऑलमोस्ट तो क्या पूरा ही हो गया है। तो गाइस अभी मैं रेडी हो रही हूँ, दीदी मेरे को रेडी कर दे रही है, भाभी सो हाय गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल, दिस इज मी संध्या, यू वाचिंग माय चैनल। सो गाइस आप सब कैसे हैं, आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे, वैसे हम भी ठीक है। और आप सोच रहे हो मैं ये आधा मेकअप लेके वीडियो स्टार्ट कर रही हूँ। हाँ गाइज इससे पहले मैं स्टार्ट करना चाहती थी बट देन वो स्टार्ट नहीं हो पाया। आज हम जा रहे हैं एक शादी पे जो मनीष का और मेरा एक फ्रेंड का, बहुत क्लोज फ्रेंड का एक शादी है। वहाँ हम लोग जा रहे हैं, अभी मैं रेडी हो रही हूँ और हमारी पड़ोस की एक भाभी है जो ब्यूटिशियन है, वो मेरा क्या कर रहे हैं मेकअप कर रही हैं। आपको थोड़ा बहुत ग्लिम्स दिखाती हूँ और मिलती हूँ रेडी होने के बाद। सो गाइज ये शादी है, याद है आप सबको जो मैं इंगेजमेंट में गई थी रोहित एंड श्री पढ़ना थी, तो आज उन्हीं का शादी है। अभी हम लोग को 6 बजे वहाँ पहुँचना है। अभी हम रेडी हो रहे हैं। सो गाइस देखिए अभी मेरा मेकअप ऑलमोस्ट हो गया है, ऑलमोस्ट तो क्या पूरा ही हो गया है। मैंने साड़ी भी पहन लिया है, पहनाया भाभी को मुँह दिखा दे, जिनको भी ये एरिया यहाँ पे करना है तो मैं इनका नंबर डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, कांटेक्ट कर सकते रहे भाभी। देखिए ये है करता करता जिन्होंने मेरा मेकओवर करा दिया। सो गाइस वी आर रेडी एंड नाउ वी आर गोइंग। हम लोग कहाँ जा रहे हैं? शादी में नहीं यार, कौन सा वेन्यू है, जगह कहाँ है? फिलहाल तो जा रहे हैं होटल कॉलेज। हाँ, तो उसके बाद में बाराती के साथ घोड़े के पीछे पीछे फिर दूसरे होटल में। हाँ हम लोग बाराती जा रहे हैं गाइस। देखिए ये है मनीष और मैं उतर के फिर से आपको दिखाऊंगी क्या था। और ये मैं, हम यावी को नहीं लेके गए बिकॉज बाराती जाना था, फिर अभी हमको काफ़ी रात भी हो जाता और यहाँ घर पर तो मम्मी लोग हैं, तो इस वजह से मम्मी ने कहा कि डू नॉट टेक यावी बिकॉज वो छोटी है अभी, तो इस वजह से हम दोनों सिर्फ जा रहे हैं। बट पता नहीं हम मुझको मिस कर रहे हैं ना, या अभी तो मिस कर रहे हैं, आदत हो गया ना, आदत हो गया ना गाइस, अभी लग रहा है कि क्यों नहीं लेके। हाँ लेकिन नहीं ठीक है बिकॉज वहाँ जाएंगे फिर उनको और उसको भी तकलीफ होगा, हमसे ज्यादा उसको तकलीफ होगा, वहाँ जाके सब पूछेगा कि या अभी क्यों नहीं लाया, तो उसको तकलीफ होगा, उसके बाद छोटी और हमें रात काफी रात हो जाएगा, इस वजह से हम दोनों ही जा रहे हैं। सो मिलती हूँ आपको पे पहुंचने के बाद। और हाँ बाराती का ये बाय द वे पंजाबी वेड्स बंगाली का शादी है, मनीष बार बार ब्लर हो जा रहे हैं। तो ये पंजाबी वेड्स बंगाली का शादी है, तो चलिए मिलती हूँ आप सबको वहाँ पहुंचने के बाद। दूल्हे राजा की मम्मी कैसा लग रहा है, बहू आने वाली? बहुत अच्छा लग रहा है ना, ये है भांजी, यहाँ तैयार हो रहे दीदी। हाय। और मैं भी दीदी दीदी। अच्छा सब सब रेडी हो रहे हैं बाराती के लिए, है मामा का शादी है, वेरी एक्साइटेड। मैं भी वीडियो बना रही हूँ।
इसको एक चेयर ला दे, यहीं पे बैठ गया है, वहाँ पे कुछ ढूंढ रहा था मैंने, यहाँ ठंडा इसी में बैठ कौन क्या हो गया बताओ मनीष, क्या जिसका शादी में नाचना था उसके शादी में तो नहीं नाचा, दूसरे का शादी में नाच दिया। क्या हुआ बताए, हम मतलब जो होटल में हम लोग रुके थे वो लोग रेडी हो रहे थे, तो उन लोगों ने कहा क्योंकि ऑलरेडी बहुत पैक था, तो मैंने और मनीष ने प्रेफर किया हम लोग यहाँ पे आके रुक जाएंगे, तो हमने सोचा कि हम लेट हो गए बिकॉज हमने गाड़ी और से देखा कि यहाँ पे ऑलरेडी बारात पहुँच गई, लेकिन पता चला कि ये किसी और का बारात है। Thank you.
लेके माही तेरा ही तेरे खाते सारा छड़ के मैं जाना तेरे Thank you.
वीडियो हो रहा है आज आज हां सॉरी हम बोल दे अरे ग्लास ग्लास तो नहीं खाएंगे भूख भी लग गई है तो डेजर्ट हो दादा जा रहे खाना के बाद मैंने बिरयानी लिया है राइस और मटन चलो खाते खाना राइस अब हम घर भी जा रहे हैं आज कई शादी भी अटेंड हो गया मज़ा आया एंड इट वॉज पंजाबी विद बंगाली वेडिंग सो अब हम घर जा रहे हैं आप और ये ब्लॉग भी मैं यहीं एंड करती हूँ आपको ये ब्लॉग कैसा लगा क्या लगा प्लीज़ कमेंट में बता दीजिएगा अगर अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा टिल देन स्टे ट्यून्ड गाइस अच्छे से रहिए स्वस्थ रहिए मस्त लगन रहिए टेक केयर बाय बाय